उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का बिगुल अब बजने वाला है। जैसा जानकारी मिल रहा है कि 8 दिसंबर को अधिसूचना जारी हो सकती है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त की बात है, लेकिन अभी जो आरक्षण आया, यानी कि कल 5 दिसंबर को जो शाम 5 बजे के बाद जो आरक्षण आया, उस आरक्षण में जिले बलिया जिले की बात करें, कुल 10 नगर पंचायतों में 2 नगर पालिकाओं में जो आरक्षण आया है, जिसमें बलिया नगर पालिका परिषद इस बार यानी सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गया, जबकि सामान्य महिला 2012 में भी था और 2017 में सामान्य था, फिर 2022 में सामान्य महिला हो गया। 1995 के बाद से लगातार सामान्य और सामान्य महिला के सीट पर ही यहां दावेदार और प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं। उसके पहले भी बात करें, जैसा जो जानकारी है लोगों के माध्यम से कि आज़ादी के बाद अब तक बलिया नगर पालिका परिषद OBC नहीं रहा है, यानी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रहा, लेकिन इस बार फिर 2012 के बाद 2022 में सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गया। ऐसे में बहुत से ऐसे दावेदार थे जो निकाय चुनाव के मैदान में थे, दावेदारी कर रहे थे, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन अब कुछ ऐसे दावेदार हैं जो चुनाव फील्ड से यानी मैदान से बाहर हो चुके हैं। अब जो मैदान में आना चाहते हैं वो अपने घर की महिलाओं को अब मैदान में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। ओवरऑल बात करें समाजवादी पार्टी से, कई दावेदार अब खुल के मैदान में दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी से करीब आधा दर्जन से अधिक महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगी। जैसा वो तो वक्त की बात है कि समाजवादी पार्टी किसको टिकट देगा, लेकिन दावेदारी की बात करें तो अभी आधा दर्जन से अधिक दावेदार समाजवादी पार्टी से मैदान में आने की पूरी संभावना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से लगभग एक दर्जन से अधिक महिला दावेदार चुनाव मैदान में आने के लिए प्रयासरत हैं और भारतीय जनता पार्टी से अब उनका आवेदन भी चल रहा है। ऐसे पुराने चेहरे भी हैं जो लगातार चुनाव मैदान में रहे हैं, वो भी इस बार महिला सीट पर चुनाव मैदान में होंगे। तो राजनीतिक समीकरण जो था वो बड़ी रोचक इसके पहले थी, लेकिन अब राजनीतिक समीकरण का गोटी जो है अब सेट नहीं हो पा रहा। ऐसे में अब दावेदार महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें नगरा की, बात करें बैरिया की, ये पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है। इसके अलावा शाहतवार, मनियर, बांसडी, रेवती सब सामान्य सीट हो चुके हैं। चितबड़ा गाँव सामान्य महिला, रसड़ा सामान्य, रसड़ा नगर पालिका परिषद सामान्य, तो सिकंदरपुर भी सामान्य महिला, बेलथरा भी सामान्य। तो ऐसे में तमाम जो नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका हैं, सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहे हमारे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।